हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुराग और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यूके के सैलरी सिस्टम के बारे में कि आप यूके में अगर आप जॉब करने वाले हैं तो आपको यहां पे कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, यहां पे मिनिमम वेजेस क्या होते हैं, अगर आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे यूके में मूव कर रहे हैं तो आपको पार्ट टाइम जॉब करना हो तो आप एक मंथ के अंदर कितना मनी अर्न कर सकते हैं, ये सारी बातों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मीन्स जो यूके में कोई भी जॉब होता है वो मेजरली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला होता है जॉब टाइप, दूसरा होता है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कि आपको आपका जॉब टाइप क्या है, आप किस फील्ड में जॉब करते हैं, और दूसरा आपको एक्सपीरियंस कितना है। अगर हम जॉब टाइप की बात भी करें तो मतलब ये हो सकते हैं, लेट सपोज अगर आप मेडिकल सेक्टर में हैं या फिर आप इंजीनियरिंग में वर्क कर रहे हैं, आईटी में वर्क कर रहे हैं या फिर आप साइंटिस्ट हैं, तो ये आपके जॉब टाइप्स हो सकते हैं। अगर हम पर्टिकुलर किसी एक जॉब टाइप में भी बात करें तो एक जॉब टाइप के अंदर भी मतलब तीन तरह के जॉब्स हो सकते हैं। पहला होता है कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स, दूसरा होता है परमानेंट जॉब्स यहाँ पे मिल सकते हैं, तीसरा होता है आर्ली जॉब्स। सो भाई, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑन कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स के बारे में। तो जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स होते हैं एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए होते हैं कि लेट सपोज अगर आप आईटी में जॉब कर रहे हैं और आप किसी कंपनी में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिलता है, तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब का मतलब है आपको 3 मंथ, 6 मंथ्स या फिर हो सकता है 8 मंथ्स के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिलेगा और आपको पर डे के बेसिस पे सैलरी मिलेगी। आपको कुछ भी ऐसा कोई ईयरली एनुअल लीव्स आपको प्रोवाइड नहीं होंगी, आपको कोई मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ये टोटली एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब होगा। आपको पर डे पे यहाँ पे आपको पेमेंट मिलेगा। अब बात करते हैं कि पर डे पे पेमेंट कितना होता है। कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स में जो पेमेंट होता है वो कंपेरेटिवली परमानेंट जॉब से ज़्यादा होता है। तो कभी ये मतलब आपके जॉब टाइप पे अगेन और आपके जो इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे वो डिपेंड करता है, लेकिन कभी ये 200 पाउंड हो सकता है मैक्सिमम, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। बट ये आप अगर आप स्टैंडर्ड सैलरी की बात करें तो ये 600 पाउंड्स पर डे भी हो सकता है, जो कि एक्चुअली यूके के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस एंड जॉब टाइप। बट अगेन इधर कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। यहाँ पे आपको परमानेंट जॉब की तरह आपको जॉब सिक्योरिटी में नहीं मिलेगी। सो फ्रेंड्स, अब दूसरा जो जॉब टाइप है वो है परमानेंट जॉब्स। हम परमानेंट जॉब्स के बारे में बात करेंगे अभी। तो परमानेंट जॉब्स क्या होते हैं? परमानेंट जॉब्स काइंड ऑफ जैसे कि आप बात करते हैं सरकारी जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं जो सारे के सारे, वो परमानेंट जॉब्स होते हैं। आपको एक ईयरली पैकेज होता है, उसके बेसिस पे आपको मंथली सैलरी आती है। आपके जो प्राइवेट जॉब्स होते हैं, इवन आप आईटी में भी वर्क करते हैं तो आईटी में या फिर मेडिकल सेक्टर्स में, एनएचएस में यहाँ पे जॉब करते हैं, उसमें भी यहाँ पे परमानेंट जॉब्स होते हैं। तो आपको जो पैकेज होता है उसके बेसिस पे आपको मंथली सैलरी मिलती है। परमानेंट जॉब्स का एक फायदा ये होता है कि आपको एक काइंड ऑफ जॉब सिक्योरिटी मिलती है। आपको पता है कि आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं होने वाला है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट जॉब जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, परमानेंट जॉब्स लॉन्ग टर्म्स के लिए होते हैं। ऐसा जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको और आपकी कंपनी को, तो आप एक कंपनी के अंदर जॉब कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो पैकेजेस होते हैं या जो एनुअल पैकेजेस होते हैं वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा ऑन कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा सा कम होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत कम होता है, बट हाँ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तीसरा जो कैटेगरी है वो है आर्ली जॉब्स। तो मोस्टली जो लेबर क्लास जॉब्स हैं, लेबर क्लास का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि कोई डाउनग्रेड काइंड ऑफ जॉब। लेबर क्लास जॉब का मतलब कि अगर आप कोई भी आप इलेक्ट्रिशियन हैं या फिर आप प्लम्बर हैं, मैं इस तरह के जॉब्स को यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ। और दूसरी बात, यूके के अंदर किसी भी तरह के जॉब को लेकर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। अगर आप लेबर टाइप जॉब कर रहे हैं या फिर आप मेडिकल सेक्टर में या इंजीनियर हैं, यहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे कोई भी छोटा या बड़ा जॉब नहीं होता है। मेरा जब स्टाफ को मतलब जो डिफाइन करने कैटेगरी डिफाइन करने का जो एम था वो ये था कि आपको बताना कि यहाँ पर जो मेजर जो अर्ली जॉब्स होते हैं वो लेबर क्लास जॉब होते हैं। सो अब बात करते हैं अर्निंग्स कितनी होती है लेबर क्लास जॉब्स में। तो जो लेबर क्लास जॉब्स होते हैं उसमें अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। कभी कभी वो आपको कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स या फिर जो परमानेंट जॉब्स होते हैं उससे भी ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर आर का मतलब होता है कि अगर आप
आप किसी लेट्स सपोज आप इलेक्ट्रिशियन हैं और आप किसी घर में विजिट कर रहे हैं कुछ इक्विपमेंट फिक्स करने के लिए, तो वो आपका पर मिनिमम चार्ज ही 50 pounds होता है, और आपको आपके आपको कितना टाइम लगेगा उस चीज़ को फिक्स करने में, तो वो टोटली यू नो मल्टीप्लाई होता है आवरली बेसिस पे। तो इसके अकॉर्डिंग आप काफ़ी अर्न कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप इस तरह के जॉब को यहाँ पे करते हैं तो। सो फ्रेंड, अब भी बात करते हैं कि यहाँ पे मिनिमम सैलरी कितनी होती है। तो गवर्नमेंट ने, जो यूके गवर्नमेंट है, उन्होंने अप्रैल 2020 के अंदर कुछ मिनिमम वेजेस डिफाइन करे हैं लेटेस्ट, जो कि गवर्नमेंट की साइट पर भी अवेलेबल है, जिसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि यहाँ पे अगर आप यूके में जॉब करते हैं आर्ली बेसिस पे, तो आपको कम से कम कितना पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपकी एज 25 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, तो आपको जो मिनिमम पेमेंट होगा वो होगा 8 pounds 72 pence। इतना कम से कम पर आवर आपको अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। जो दूसरा एज ग्रुप डिफाइन करा है गवर्नमेंट ने, वो है 21 से 24 साल के बीच में। अगर आपकी एज 21 से 24 साल के बीच में है, तो आपको मिनिमम वेज है जो है वो 8 pounds 20 pence है। इतना कम से कम आपको आर्ली पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा। फ्रेंड, जैसे आप जानते हैं कि जो ज़्यादातर जो बाहर की कंट्रीज हैं, इंडिया से बाहर या एशिया से बाहर की कंट्रीज हैं, यहाँ पे लोग कम उम्र में ही जॉब स्टार्ट कर लेते हैं और पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे उन लोगों के लिए भी कैटेगरीज बनाई हुई हैं। तो अगर आपकी एज यहाँ पर 18 से 20 साल की उम्र है, तो आपका जो मिनिमम जो वेज है पर आवर, वो है 6 pounds 45 pence। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको जॉब लेना है 18 साल से कम उम्र के लिए, तो जो मिनिमम यहाँ पे सैलरी डिफाइन की हुई है गवर्नमेंट है, वो है 4 pounds 55 pence। तो कम से कम आपको इतना अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक और कैटेगरी डिफाइन की हुई है, वो है ट्रेनिंग के लिए। लेट्स सपोज अगर आप 12th आपने पास की है और 12th का स्टडी फर्दर नहीं करना चाहते यहाँ पे, तो उसके बाद आप डायरेक्टली कंपनीज में जॉब गेट कर सकते हैं एज ए ट्रेनी, और वहाँ पर जो आपकी मिनिमम सैलरी है वो कम से कम आपको 4 pounds 15 pence मिलेगा ही मिलेगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से डिफाइंड है। एक जो मिनिमम वेजेस है, इसका मतलब ये है कि ये मिनिमम सैलरी है, इससे आपको ज़्यादा भी मिल सकता है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, या फिर आपको लकीली अच्छा जॉब मिलता है, तो आपको इससे पैकेज से ज़्यादा भी मिल सकता है। गाइस, अब बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए। तो लेट्स सपोज अगर आप यूके में स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं और आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, तो आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो 20 hours per week आपको जॉब करने का अलाउ करती हैं। तो अगर आप, क्योंकि यूके में नए हैं, आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर आपको यहाँ पे जॉब मिलता है, तो मिनिमम, और आपकी अगर लेट सपोज एज 25 साल से ज़्यादा है, तो आपका जो मिनिमम पेमेंट होगा वो 8 pounds 72 pence का होगा। और अगर आप लगभग आप 8 hours per week यहाँ पे पर डे वर्क करते हैं, तो आपका इसके अकॉर्डिंग लगभग एक वीक में आपको 175 pounds नियर अबाउट आपको मिलता है। इसी तरह से अगर आप एक महीने के अंदर लगभग 4 week वर्क करते हैं, तो आप लगभग यहाँ पे 700 pounds के आसपास का अर्निंग कर सकते हैं। 700 pounds यूके के अंदर काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है, और आप यहाँ पे इजीली सरवाइव कर सकते हैं इस अमाउंट के अंदर। आपको यू नो घर से बहुत ज़्यादा पैसा मंगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप स्टूडेंट पे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आए, आपको मिनिमम वेज पे भी अगर यहाँ पे जॉब मिलता है और आप लिमिटेड आवर्स में वर्क करते हैं, तब भी आप एक अच्छा अमाउंट यहाँ पर रह के कमा सकते हैं। और यहाँ पर एक एक पाउंड की वैल्यू होती है, तो 700 pounds या 800 pounds का जो अमाउंट होता है मंथली, दैट इज़ वेरी गुड अमाउंट। आप मतलब आप इजिली यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट। सो गाइज, आई होप कि आपको लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको यूके की सैलरी सिस्टम से लेके या किसी और चीज़ को लेके कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो पे। मैं आपको आपके आपके कमेंट का रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो आप मेरे को वो भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।